हेलो फ्रेंड्स, शब्दम कुकिंग क्लासेस को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, वो भी मुफ्त। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, देखिए ये है मोहर्रम स्पेशल दूध का शरबत। तो इसे हम पूरा बना चुके हैं और बनने के बाद ये इस तरह का दिखता है, जो बहुत ही ईजी और सिंपल है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं शरबत बनाने का तरीका। हेलो फ्रेंड्स, हाय, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को मोहर्रम स्पेशल दूध का शरबत बताने जा रही हूँ, जो मोहर्रम में अक्सर हमारे घर में बनता है। तो उसके लिए मैंने आधा लीटर दूध ली हूँ, उसे मैंने गर्म करने रख दी थी। देखिए, इसमें मैंने आधा लीटर दूध में मैंने आधा गिलास पानी डाली थी। आप बिना पानी डाले भी शरबत बना सकते हैं, या फिर आप एक गिलास पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आधा गिलास पानी इसमें डाली हूँ और इसमें आने लगा है बॉईल। तो इसमें हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच शक्कर के। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरह से। गैस को अभी मैं करती हूँ थोड़ा हाई फ्लेम पे और इसे चलाते हुए शक्कर को अच्छे से हम घोल लेंगे। फिर जब शक्कर घुल जाएगी इसमें अच्छी तरह से, तो हम इसमें डालेंगे 10 से 12 बादाम, जिसे मैंने पीस ली थी इस तरह से। आप चाहे तो दूध में डाल के भी पीस सकते हैं, पानी में डाल के भी पीस सकते हैं। मैंने इसे पानी में, हल्के से पानी में इसे मैंने पीस ली हूँ। ज़्यादा बारीक पेस्ट भी नहीं बनाई हूँ और ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखी हूँ, बस इस तरह से। ये देखिए, इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। और ये है इलायची पाउडर। तो ये अगर आप लोगों के आधा लीटर दूध में हम बहुत कम इलायची पाउडर डालते हैं तो वो पीसने में नहीं आती है, जार में ही लग जाती है। तो मैंने हल्की सी शक्कर डाल के इलायची पाउडर को बारीक कर ली, ताकि इलायची पाउडर जो है वो अच्छे से पीसने में आ जाए। ये देखिए, इस तरह से इलायची पाउडर डाल के इसे हम चलाएंगे। और ये है ग्रीन कलर, तो मैं ये भी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। और ये है ड्राई फ्रूट्स, तो ये सब मिक्स ड्राई फ्रूट है। इसमें बादाम, पिस्ता, चारुली, काजू सब है। तो मैं थोड़े से अभी डालूंगी और थोड़े से मैं रोक लूंगी, गार्निश करने के टाइम डालूंगी। हल्के से हम अभी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें सब्जी के बीज, यानी तुप मलंगा जिसे कहते हैं, मैंने एक प्याली भिगो के रखी थी। तो ये हम इसे इसमें बाद में डालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो अभी मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ 1 घंटे के लिए, ठंडा होने के लिए। ये देखिए, मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दी थी। ये बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जी के बीज, अच्छे से इसे मिला लेंगे। और अब मैं इसे एक ग्लास में निकालती हूँ। आप लोग चाहे तो इस पे गुलाब की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत दिखने में भी अच्छा और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो वो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी भेजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। ये देखिए, अभी हम इसमें डालेंगे गार्निश करने के लिए ये बचे हुए पिस्ता, बादाम, काजू, चारोली, इस तरह से। और थोड़े से सब्जा,